मैं अभी नहा के आई हूँ और मीरा इधर घर को झाड़ू लगा रही है, उससे बातें कर रही हूँ और मैं कंघी भी कर रही हूँ। मतलब तभी 12 बज रहा है, मैंने सुबह का सारा काम कर लिया था। काम करने के बाद ही मीरा भी आ गया है, वो काम कर रही है। मैं ऐसे कुछ बातें कर रही हूँ उससे, और फिर अभी देखिए मैं तो लिपस्टिक के बिना लिपस्टिक लगाए कि मैं खाना बनाने के लिए नहीं जाऊंगी। मैं नहा के लिपस्टिक लगा लेती हूँ, और जो भी मेरा पाउडर वगैरह जो भी लगाना है लगा के ही मैं किचन में जाती हूँ लंच बनाने के लिए। और मैंने नहा के ही और एक काम करती हूँ, मैं दिया वगैरह जला लेती हूँ। फर्स्ट काम यही होता है, सेकेंड काम मैं थोड़ा मेकअप कर लेती हूँ और फिर जाऊँगी अभी लंच बनाने के किचन में। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक है। और अभी 12:30 हो रहा है और मैं अभी थोड़ा देर पहले ही नहा के आई हूँ। दिया वगैरह जला दिया है और मैं नहा के ही कपड़ा चेंज करके दिया वगैरह जला देती हूँ। फिर थोड़ा सा खुद को भी मेकअप कर लेती हूँ, घरेलू जैसा ऐसा। मतलब थोड़ा लिपस्टिक तो मैं हर दिन लगाती हूँ, बिना लिपस्टिक के मैं नहीं रहती हूँ। लिपस्टिक लगाती हूँ, थोड़ा पाउडर वगैरह लगा लेती हूँ, बिंदी जो भी थोड़ा, मतलब आप देख ही रही है, मैं कर लेती हूँ, हर दिन करती हूँ मैं। और करने के बाद मैं जाती हूँ किचन में। मैं सोचा अभी किचन में मैं गया नहीं, क्योंकि मैं सोचा क्यों ना पहले आप लोग से थोड़ा बात कर लूँ, फिर जाऊँगी किचन में। और मैंने नाश्ता में कुछ कुछ बना लिया था, हैवी सब के ही खा लिया था, इसलिए अभी भूख भी नहीं लगा है। और अब तो संडे है, अभी संडे 12, और मैं जाऊंगी किचन में और कुछ लंच बनाऊंगी। लंच बनाने से पहले ही मैं फ्रेंड आप लोग से थोड़ा बात कर रही हूँ। और आज सुबह इतना बारिश हो रहा है, सुबह से बहुत बारिश हो रहा है और मौसम भी बहुत खराब है। पूरा घर के अंदर भी ऐसा लग रहा है, एक हफ्ता ही हो गया है बारिश ही हो रहा है। कब धूप निकलेगा, कब धूप निकलेगा, ऐसा वाला हो गया। और धूप निकलेगा तो बोलोगे कब बारिश होगा, और किसी को भी किसी में शांति नहीं है। हमारा सबको साथ ऐसा ही होता है। और बारिश का आवाज ब्लॉक भी आ सकता है, तो अभी भी तो बारिश हो ही रहा है। और मुझे तो अच्छा लगता है क्योंकि इन दिनों इतना अच्छा लग रहा है, ब्लॉग बनाने भी, खाना खाने में, जो भी काम करने में मजा आ रहा है। गर्मी में तो कुछ करने का भी लालच होता, करने का भी मन नहीं करता है। और कल तो ईद है, मेरा जितना भी इस्लाम धर्म में लोग है सबको ईद मुबारक। सबको मैं फिर से बोल रही हूँ ईद मुबारक देती हूँ। कल तो आप लोग का ईद है और बहुत सारा खाना भी बनाएगा, बहुत अच्छी तरह से बनाएगा। मेरे तरफ से बार बार मैं मुबारक दे रही हूँ। और फिर अभी मैं जाऊँगी किचन में, किचन में जाके लंच बनाने की तैयारी कर लूँगी। अभी से बनाऊँगी तो 2 बाजे जाएगा। मैं इतना जल्दी जल्दी नहीं, धीरे धीरे करके बनाते रहूंगी, नहीं तो मतलब 1:30 बजे भी, 1:30 में भी हो सकता है। और इतना जल्दी जल्दी करने से किचन में मुझे गैस के सामने डर ही लग, मतलब अच्छा नहीं है, सबको सबके लिए अच्छा नहीं है जल्दी जल्दी करना। और हमारा इधर में तो इस बार तो दुकान मतलब बंद ही है। और इतना कोरोना वायरस, इतना पॉजिटिव, मैंने बोला ही था, इतना पॉजिटिव लोग मिल रहा है, बाहर जाने के लिए सब लोग डर रही है। पता नहीं कब क्या हो जाएगा, बाहर से लोग अभी भी आ ही रहा है, और कितना हो जाएगा। 319 कल बोला ही था, और भी अभी ज़्यादा हो गया है। और सुबह से मैं आज भी टीवी नहीं देखा हूँ, न्यूज़ भी नहीं सुना हूँ, क्योंकि ये देखने से मन बहुत खराब हो जाता है और डर भी लगने लगता है। कल से मैंने सोचा क्यों ना न्यूज़ नहीं देखूंगी, और जितना भी देखती हूँ इतना भी डर भी लगता है। और ठीक है, अभी मैं जाती हूँ किचन में लंच बना लेती हूँ। लंच बनाने के बाद मिलती हूँ आप लोग से। मैं किचन में आ गई हूँ और अभी तो 12:30 हो गया है, और इतना मतलब बारिश हो रहा है। आप लोग को ब्लॉग में बारिश का आवाज भी सुनाई पड़ेगा, इतना बारिश हो रहा है। सुबह से आज तो धोके ही निकलेगा, मैं तो कपड़ा मशीन में ही धो के अंदर ही डाल के रखा हूँ, रस्सी डाल के। और अभी मैं इसमें दाल और इसमें चावल को सड़ा दिया है, और आलू फ्राई कर लूंगी, साथ ही में बनाऊंगी, फ्री से फ्राई कर लूंगी। संडे में रात को मतलब बना, मम्मी जी ही बनाएंगे, चाहे मटन बनाएगा। अभी काल भी मटन खाया था, इतना मटन, मतलब थोड़ा सा मटन अभी भी है, और इसलिए नहीं बनाऊंगी। चिकन भी है घर में, काल बनाऊंगी और एक रेसिपी डालूंगी मैं। और इसलिए मैं अभी चावल और दाल को पहले सड़ा दिया है, आलू को अभी काट के फ्राई कर लूंगी,
और साथ में फिश को भी फ्राई कर लूंगी। और मुझे बेटी को मतलब फिश फ्राई बहुत पसंद है, सभी मुझे भी पसंद है, हम अभी खा लेंगे। लंच खाने के बाद ही मैं आप लोग से बात करूंगी क्योंकि अब क्या दिखाना है लंच को, तो मैंने बोल ही दिया है क्या क्या बनाना है। और दाल को मैं इसे सिंपल तरीके से तड़का लगा लूंगी और आलू को से फ्राई कर लूंगी। आलू हमारे घर में आलू तो बहुत लगता है, सभी का घर में तो आलू के बिना तो कोई सब्जी भी नहीं होता है। और कोई सब्जी अब गर्मी में तो इतना भी सब्जी भी नहीं निकलता है हमारा इधर, और जो भी सब्जी निकलता है हमारा घर में तो कोई नहीं खाता है, इसीलिए आलू ही चलता है और लहसुना वगैरह कोई नहीं खाता है। और जो एक दिन खाने से भिंडी वगैरह एक दिन खाने से हो ही जाता और नहीं बस, इसलिए मैं तो सब्जी कम ही लेके आती हूँ। और ठीक है अभी मैं खाना लंच बना लेती हूँ, बनाने के बाद मैं आप लोग से बात करूँगी। अभी मैं बनाऊंगी खीर, इसका रेसिपी भी शेयर करूंगी मैं कैसे बनाती हूँ, सब लोग तो बनाती ही है। और ऐसे ही मैं खीर बना के रख देती हूँ और दो तीन दिन तक खा लेती हूँ। फ्रिज में रख के खाने से बहुत अच्छा लगता है, हमारा घर में खाना खाने के बाद ऐसे ब्रेकफास्ट में भी खीर खा के सबको अच्छा लगता है। और मेरा बेटी को तो बहुत फेवरेट है और हर टाइम देने से भी खा लेते हैं। बहुत दिन से खीर बनाया नहीं हूँ मैं, बहुत दिन हो गया है और सोचा आज मैं बना ही लूँ, इसलिए मैंने 2 लीटर से बनाऊँगी और जाके तो कितना हो जाएगा, थोड़ा ही हो जाएगा। और मैं अभी दूध को उबाल लूँगी और इसका रेसिपी भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मैंने खीर बनाने के लिए ये बैंगन जहाँ ले लिया है, इसका किलो होगा 90 होगा शायद, इसी होगा। ये पुलाव बनाने से भी बहुत अच्छा है और यही से मैं बनाऊंगी। मैंने हाफ एन आवर तक इसे भिजा के रखा था और अभी इसको मैं दूध को मैं इसे बनाती हूँ खीर। मैं पहले दूध को उबाल लेती हूँ, अभी गैस दे दूंगी और दूध को मैं उबाल लूंगी। अभी मैं इसको 2 लीटर नहीं दूंगी, बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसमें मैं हाफ लीटर ही डाल दूंगी इससे। और फिर इसे भी थोड़ा दे देती हूँ, थोड़ा दे देती हूँ और इतना 1.5 लीटर हो गया है। और अभी मैं इसमें बनाऊंगी, इसको अभी उबलाने के लिए रख दूंगी और दिखाते रहूंगी मैं कैसे बनाती हूँ खीर। और दूध में एक बार तो उबल आ गया है, ऊपर तक आ गया था। अभी मैं इसमें डालूंगी तेज पत्ता और आप लोग देखिए उबल आ गया है। और इसमें मैं अभी चावल भी डाल दूंगी, मैं शुगर लास्ट में डालती हूँ, चावल ज़्यादा नहीं दिया है, इतना ही चावल दे दूंगी मैं उबल आने के बाद। मैं सोचा प्रॉपरली आज मैं आप लोग के सामने खीर का रेसिपी भी शेयर करूँ, हर दिन तो कोई ना कोई कर ही रहा हूँ, ये भी क्यों छूट जाए। और अभी मैं खीर का खीर को तो सबको बनाना आता है, फिर भी मेरी तरफ से। और अभी मैं इसको ऐसे हिला दूंगा, अभी मैं गैस को मीडियम में रख दूंगी। और मैंने काजू और किशमिश भी ले लिया है, अभी नहीं दूंगी, बाद में लास्ट में दे दूंगी। और इसको मैं अभी ढक्कन लगा कर रख दूंगी और 20 में मैं देखते रहूंगी। और मेरा तो अभी भी 15-16 मिनट लग ही जाएगा क्योंकि मैं लो मीडियम में ही पकाऊंगी खीर को, गैस को हाई नहीं करूंगी। और ये खीर दे के मैं अभी कोई दूसरा काम कर सकती हूँ, अभी मैं दूसरा काम कर लूंगी और 20 में आके मैं देखते जाऊंगी। और ढक्कन को ऐसे पूरा मत लगा लीजिएगा, ढक्कन को ऐसे हाफ इसे खोला रखिएगा और पूरा ढकने से अच्छा नहीं है। और मैं इसी तरह हाथ लग दूंगी और गैस को ऐसे रख दूंगी और 5-10 मिनट बाद आके मैं 1-2 बार इसको मिलाऊंगी और देखूंगी कितना तक पका है। और इसी तरह मैं बना लूंगी, अभी मैं कोई दूसरा काम है तो कर लेती हूँ। और 15 मिनट हो गया है, ज़्यादा ही हो गया है, 15-20 मिनट से ज़्यादा ही हो गया है। और देखिए ऐसा हो गया है, पक ही गया है। अभी मैं इसमें डालूंगी शुगर
और शुगर इतना सा आप जितना मीठा पसंद करते हैं खाने में इतना ही शुगर डालिएगा। और मैंने शुगर को डाल दिया है इसी बीच में हम लोग और ये मिक्स मेट का ये डाल दूंगी और इसीलिए मैंने शुगर ज़्यादा नहीं दिया है। और ये अमूल का है मिल्क मेट और इसको डालने थोड़ा डालने से बहुत टेस्टी आता है। आप लोग भी ऐसे खीर बनाने से डालिएगा बहुत टेस्टी लगता है खाने में। और मैं पूरा डाल दिया हूँ और ज़्यादा नहीं पकाना है और 10-20 मिनट पकाने के बाद और लगभग ये देखिए चावल तो लगभग पक ही गया है। मैं दिखाती हूँ और देखिए पक ही गया है और 10 मिनट पका के मैं इसको उतार कर रख दूँगी। और मेरा देखिए खीर रेडी हो गया है और अभी मैं इसमें डालूंगी ये काजू और किशमिश में लास्ट में डालती हूँ। और किशमिश को लास्ट में ही डालना चाहिए खीर में, काजू को तो पहले डाल सकता है। और मेरा रेडी हो गया है खीर। अभी इसको मैं ऐसे ही रख दूंगी, फ्रिज में रख दूंगी, सुबह नाश्ता के साथ खाऊंगी और अभी थोड़ा थोड़ा खा लूंगी चाय के साथ और चाय बना लेती हूँ। मामी जी अभी कस्टर्ड बनाएगा इसीलिए कस्टर्ड का प्रिपरेशन कर रही है, इसके लिए बनाना को काट कर रही है। और आज बनाना आज ही लेके आया था, इसे अच्छी तरह से मैंने धो के काटने के लिए दिया है। और भी फ्रूट्स मंगाया था मैंने लेकिन नहीं मिला, हमारा इधर तो लॉकडाउन भी है ही, थोड़ा बहुत दुकान खुला है फिर भी मतलब इतना भी नहीं मिला है मैंने। और मतलब मंगाया था काजू मिला है मैंने, अंगूर मंगाया था, खेजूर मंगाया था और चेरी मंगाया था और नहीं मिला है। सामान भी ख़त्म हो गया है पता नहीं, और जो मिला इसी से ही बनाएगा मुझे खाने। हम लोग को घर में खाने का सभी का मन था। और अभी आपेल मिला है, आपेल को भी ऐसे छोटा छोटा करके काट लेगी, आप लोग को जिस साइज में काटना है काट ले सकता है। और मामी जी भी अभी गुल गुल करके कला बनाने को काट दिया है और आपेल को भी छोटा छोटा करके काट लेगा कस्टर्ड बनाने के लिए। बनाना और आपेल को काट दिया है, काजू को भी छोटा छोटा करके काट दिया है और काट देगी ड्राई फ्रूट में और किशमिश भी ले लेगी साथ में देने के लिए। पतीला में दूध ले लिया है और इस थोड़ा गाढ़ा है इसीलिए थोड़ा पानी मिला देगी और एक कटोरी में थोड़ा सा दूध रखा है इसमें कस्टर्ड पाउडर मिला लेगी। कस्टर्ड पाउडर और ये केसर भी ले लिया है बाद में डाल देगी, केसर देने से कलर अच्छा आता है। और अभी गैस को जला दिया है और इसमें अभी तेज़पत्ता भी दे दिया है दूध के साथ और थोड़ा मिला दिया है। और ये मामी जी बहुत अच्छा कस्टर्ड बनाता है और बहुत बार खाया हूँ मामी जी के हाथों का। और इसमें अभी कस्टर्ड पाउडर मिला देगी, देखिए ज़्यादा नहीं, एक चम्मच दो चम्मच और थोड़ा सा दे देगी, ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए दो चम्मच ढाई चम्मच ही होगा, इसके ज़्यादा नहीं है। अभी इसे अच्छी तरह से दूध में मिला लेगी इसी तरह। और मिलाने के बाद दूध भी गर्म हो रहा है और इसमें 4 चम्मच शुगर भी दे देगी और मिला देगी। दूध को अभी मिलाते रहेगी और उबल आ गया है और इसी तरह 2-3 बार 4 बार जितनी बार हो सके मिला देगी। और इसके बाद गैस को ऑफ कर देगी, ऑफ नहीं करेगा, थोड़ा लो कर दिया है इसको, गैस से नीचे लेके आया है। और कस्टर्ड पाउडर मिलाने के टाइम में आप लोग गैस को गैस के ऊपर नमक मिलाएगा और नीचे लेके ही मिलाएगा, यही एक टिप्स है। आप लोग इसी तरह बनाएगा बहुत टेस्टी होगा। और देखिए अभी मिलाने के बाद फिर से गैस के ऊपर चढ़ा दिया है और गैस को लो के ही रखा है। और इसमें अभी इलायची डाल देगी, इलायची को बीच में तोड़ के डाला है
और इलायची का जो स्मेल है बहुत टेस्ट अच्छा आता है। और इलायची डालने के बाद फिर से मिला देगी और कलर देखिए कितना येलो येलो आया है। और फिर से मिला देगी अच्छी तरह से। मिलाने के बाद केसर मिला दिया है। केसर गैस को फिर से मतलब गैस से ऊपर से नीचे लेके आई है, मिलाया है। आप लोग भी ऐसे ही मिलाएगा, गैस से ऊपर नहीं मिलाएगा। ऐसे मिलाने से टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और अभी थोड़ा शुगर भी डाल दिया है, मीठा थोड़ा कम होने जैसा लगा। आप लोग को नहीं मिलाना है, नहीं देना है। और ये बिस्कुट ले लिया है, गुड डे बिस्कुट। और इसमें मेरी बिस्कुट भी ले सकता है, क्रीम वाला बिस्कुट नहीं लेना है। और अभी मामी जी ऐसे बेलना से इसको तोड़ लेगी बीच में ही। और मिक्सी में देने से ज़्यादा ग्राइंड हो जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं किया है। और ज़्यादा डरडरा जैसा ही रहना है, आप लोग ऐसा ही करके लीजिएगा। अभी गैस से ऊपर से इसे नीचे कटोरी को ले लेगी, और लेने के बाद पतीले को ले लेगी। इसको बिस्कुट मिला देगी और इसमें जितना भी फ्रूट्स काटा था, ड्राई फ्रूट और केला आपेल, इसमें दे देगी। देने के बाद इसको मिला देगी, अच्छी तरह से मिला देगी सारे चीज़ों को। देखिए गैस को अभी नीचे रखा है, और गैस से इसको गैस के ऊपर मत कीजिएगा, और अच्छी तरह से मिला देगी। अभी कस्टर्ड को 2 मिनट के लिए गैस के ऊपर चढ़ा देगी, थोड़ा गाढ़ा होने के लिए। और एक उबल आने के लिए रख देगी 2-3 मिनट के लिए। और ये देखिए उबल आ गया है, और अभी मिला दिया है इसे। मिला देने के बाद इसको ठंडा करने के लिए नीचे रख देगी। कस्टर्ड रेडी हो गया है, और फ्रिज में ठंडा होने के बाद फ्रिज में रख दीजिएगा, फ्रिज के खाने के लायक हो जाएगा। आप लोग भी खा लीजिएगा इसे बना के। आज संडे में 2 स्पेशल स्वीट डिश बनाया, एक मामी जी ने और एक मैं बनाया हूँ। और हमने अभी तक खाया नहीं, अभी खाऊंगी। और देखिए ये कस्टर्ड मामी जी ने बनाया है, इसको फ्रिज में रख के ठंडा होने के खाने में बहुत टेस्टी होता है। और मैंने बनाया खीर, मैं अभी दिखाती हूँ। खीर को मैं ऊपर गार्निश करने वाली हूँ। अभी ये बना लिया है, देख थोड़ा रुकिए मैं दिखाती हूँ। और इसके खीर के ऊपर थोड़ा केसर दे के मैं गार्निश कर रही हूँ, और बहुत टेस्टी होता है और कलर भी बहुत अच्छा आएगा। अभी मैं दिया हूँ, अभी भी बना के हुआ है, ठंडा ही नहीं हुआ है। और ये देखिए मैंने केसर डाल दिया है, बहुत अच्छा कलर आएगा। आज इस दोनों का रेसिपी जाएगा, संडे स्पेशल 2 स्वीट डिश का रेसिपी हम लोग के साथ। और ईद स्पेशल भी होगा, जो लोग ईद है वो भी बना सकता है खीर और कस्टर्ड मिठाई की स्वीट डिश में। और हमने ऐसे ही मन किया खाने के लिए और बना लिया है। इसको हमें एक दिन में नहीं खा के खत्म होगा, ऐसे मैं फ्रिज में रख दूंगी 2-3 दिन तक। हम लोग ऐसे खाती हूँ, और खीर को भी और कस्टर्ड को भी फ्रिज के रख के और एक दिन के बाद ही खाने में ज़्यादा टेस्टी होगा। आज थोड़ा थोड़ा खा लूँगी, कल खाऊंगी, परसों खाऊंगी, और ऐसे शाम के टाइम में नाश्ता के टाइम में थोड़ा थोड़ा करके खा लूँगी। ऐसे खाने का मन किया हमारा, दोनों मेरा बेटी का फेवरेट है, हम लोग को भी अच्छा लगता है, हम लोग तो खाते ही रहता है। और इसलिए इसका मतलब आप लोग के साथ शेयर कर दिया है। अभी हम खा लेते हैं, खाने के बाद मिलूंगी मैं। आज कल मैंने बनाया था मटन, आज मामी जी मटन कैसा बनाएगा इसका रेसिपी तो नहीं डालूंगी, थोड़ा सा आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। और ठीक है, अभी हम खा पी लेते हैं और बाद में मिलती हूँ मैं, जब मामी जी किचन में बनाएगा थोड़ा सा सूट करके आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। मामी जी बन रहा है मस्टर्ड कोसा अभी डिनर में। मैं इसका रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, ऐसे दिखा रही हूँ। अभी कढ़ाई में दे दिया है ऑनियन को फ्राई करने के बाद, और इसमें क्या क्या डालेगा मैं दिखाऊंगी। आज मामी जी ही बना रही है मटन, कल मैं बनाया था। और इसके साथ अभी मामी ये पेस्ट बना के लेके आऊँगी मैं। इसमें ऑनियन है, जिंजर है, और सूखा मिर्च है, और काजू है। इसका मैं पेस्ट बना के लेके आऊँगी, और इसके साथ ही मैं टमाटो को भी पेस्ट बना के लेके आऊँगी, और मामी जी ही बनाएगा। और देखिए ये पकने के लिए सोड़ के गया है, और इसमें मैं आलू भी काट के रखा हूँ, और आलू भी दे देगी। आज मामी जी ही बना रही है, और ये
मटन कोसा बना रही है मामी जी। मैं सोचा क्यों ना थोड़ा सूट को सूट कर लूँ और डिनर बन रही है और मैं दाल ही बना दूँगी और चावल बना दूँगी। मामी जी मटन कोसा बना रही है, इसको मैं अभी ढक्कन लगा दूँगी पकने के लिए और ऑनियन और जिंजर गार्ली और काजू का पेस्ट बना लूँगी। और नीचे है जिंजर ज़्यादा नहीं दिया है, थोड़ा दिया है और इसको मैं अभी मिक्सर ग्राइंड में ले लिया है थोड़ा सा। और फिर टमाटो को भी पेस्ट बना के लेके आऊँगी। अभी बनाएगा मटन कोसा और जो पेस्ट बना के लेके आया था मैं और यही दे दिया है मामी जी। पहले टमाटो का जो पेस्ट है वही डाला है, इसका बाद ही जो मैंने जिंजर गार्लिक और काजू ऑनियन का जो पेस्ट बना के लेके आया है वो डालेगा। और अभी ये भी पेस्ट डाल देगी, ये टोमेटो पेस्ट मैं अलग सा बना के लेके आया था और अभी ये भी पेस्ट दे देगी। देखिए इसमें सूखा मिर्च भी था, सूखा मिर्च, काजू, ऑनियन, जिंजर गार्ली सभी का पेस्ट है ये। और इसमें अभी सोया सॉस भी डाल देगी और कलर बहुत अच्छा आएगा। और इसको अभी मिला देगी और इसको अभी मिला देगी। और देखिए अभी गैस को हाई कर दिया है और अभी इसको मिला देगी और मसाला के साथ पका लेगी। रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, बनाने के बाद मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और अभी इसमें आलू दे देगी और देने के बाद ही थोड़ा और पकाएगी और थोड़ा पकने के बाद पानी डालेगी और इसमें बाद पिसार में हुसैन लगा देगी और ये मटन कसा रेडी हो जाएगा। अच्छी तरह से आप लोग को रेसिपी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा। और अभी मामी जी ही बना रही है, दिखा दे मामी जी को, दिखा देती हूँ एक बार। और ये बना रही है और आप लोग को हाय बोल रही है। बहुत टेस्टी बनाते हैं इसीलिए मामी जी को बनाने के लिए दे रही हूँ। अभी डिनर बना रही है मामी जी, ठीक है बाद में मिलती हूँ। बनाने के बाद कलर कैसा आया है आप लोग को जरूर दिखाऊंगी। और मसाला पक गया है और इसमें थोड़ा पानी दे दिया है मटन कसा में, अभी इसमें मिला देगी। मिला देने के बाद इसको थोड़ा उबल आने के लिए रख देगी और उबल आने के बाद दो तीन मिनट के लिए रख देगी। और देखिएगा दो तीन मिनट के बाद उबल आ ही जाएगा। अभी एक कुकर ले लिया है, इसमें अभी डाल देगी। डालने के बाद सीटी लगा लेगी, 5 से 6 सीटी लगाने के बाद और मटन कसा रेडी हो जाएगी। और देखिए मटन करी प्रेशर में दे दिया है और रेडी भी हो गया है। और कलर देखिए कितना अच्छा आया है, बहुत अच्छा कलर आया है। मामी जी ने बनाया है मटन कोसा, इसका रेसिपी अच्छी तरह से शेयर कर दूंगी किसी और एक दिन। आज इससे 2 रेसिपी जाएगा और रेसिपी अच्छी तरह से देखने से लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं नहीं दिखाया हूँ। और अभी डिनर करने का टाइम भी हो गया है, मैं सोचा आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर देती हूँ। अभी फ्रेश होना है, फिर खाना खाना है। और आज का ब्लॉग देख के आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना। बेल आइकन प्रेस कर देने से जो भी ब्लॉग डालूंगी नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।